महाराज श्री प्रभुर भगवत उमाशो में ग्रंथाय तत्ता शुद्धि में वस्तु तत्व की प्रोपना करते समझा रहे हैं। शिष्य ने प्रश्न किया, बनते प्रथम अध्याय में आपने सात तत्व की व्याख्या की, उस सात तत्वों में जीवायु आश्रव बंध, तो आश्रव की व्याख्या तो छठवें सातवें अध्याय में हो चुकी, बंध शब्द का भी प्रयोग किया था, अभी तक बंध का विधान नहीं किया। इस आठवें अध्याय में बंध की प्रूपना कर रहे हैं। श्री शठखंडागम जी ग्रंथ में आठवीं पुस्तक में तीर्थंकर प्रगति के बंध की व्याख्या है, और बहुत ही सुंदर तरीके से आचार्य प्रवर वीरसेन स्वामी ने अपनी श्री धवला टीका में बंध की बड़ी विशद व्याख्या की, तीर्थंकर प्रगति के बंध की व्याख्या की। यहाँ पर जीव बंध की व्याख्या सुनकर के हमें अपने संसार का भ्रमण जो है उसकी स्वतंत्रता का बोध हो जाएगा। बंध जो है न कुटुंब कराता है न मित्र पर वस्तु कराती है। वस्तु वस्तु तो भूत है, परिवार परिवार भूत है, इन सबके प्रति जैसे राग की भूमिका बनेगी, देश की भूमिका बनेगी, कसाय की भूमिका बनेगी, योग की भूमिका बनेगी, वैसे जीव बंद करेगा। वो बंद स्वाधीन है, बंद स्वाधीन है। बोले कैसा स्वाधीन है? जीव के भावों के अधीन है, इसलिए जीव तो बंद के लिए स्वाधीन है। शुभ बंद भी आपके अधीन है, अशुभ बंद भी आपके अधीन है, बस कुछ नहीं करना, एक समय को अपने आप को संभालना है। अंतर मुहूर्त प्रणाम संभाल लिए जीव अशुक्रम से बच सकता है। वो अंतर मुहूर्त प्रणाम नहीं संभाल पाए, इसमें जीवन बर्बाद हो जाता है। वो एक जीवन क्या बर्बाद होता है, अनेक भाव बर्बाद हो जाते हैं। नरकों की पीड़ा, त्रिंचों की दशा, मनुष्य में मानसिक कितनी विटंबनाएं, गरीबों की दशा देखो, और देवों के अंदर लोभ की तीव्रता, चारों गतियों में क्लेश है। और चारों गतियों का जो क्लेश है वो गति एक प्रकार से जेल व्यवस्था है। जेल कभी किसी पुरुष को पकड़ती नहीं है, जेल कभी किसी पुरुष को पकड़ती नहीं है। अपराध करके आओगे तो पकड़े जाओगे। कर्म किसी को बनते नहीं है, कभी नहीं बनते। कर्म बलात् बनने लग जाएंगे तो कोई जीव सिद्धि नहीं हो सकेगा। हर जीव को कर्म बनेंगे, सिद्धों के कर्म बनने लग जाएंगे। कर्म किसी को बंधते नहीं है, कर्म को विवश होकर बंधना पड़ता है। क्या कर सकते हैं? अमन बेटा, एक सत्य घटना आपको बताऊं। एक बहुत सुंदर युवा था, उसकी सुंदरता देख करके हर व्यक्ति रिझता था, पर जितने सुंदर थे वे चेहरे से, अब आप बाकी आप समझ गए होंगे। बहुत सुंदर युवा था, लेकिन उनके जो क्रियाकलाप थे इतने असुंदर थे, इतने असुंदर थे, हर सप्ताह उनको जेल पहुंचना पड़ता था। एक दिन क्या हुआ, जब छूट के आया तो लोग भीड़ उसको देखने पहुंच गई, भाई वो छूट के आ गया। जेलर कह रहा, जेलर का शब्द सुनिए आप, जेलर कह रहा, बेटा तुम्हारा चेहरा देख के मुझे कभी नहीं लगता, चेहरा देख के मुझे लगता है इसको क्यों डंडा मारें। पर क्या कर सकते हैं,
तुम्हारी कोमलता शरीर की, चेहरे की सुंदरता, पर क्या करें, मुझे मारना पड़ रहा है। बस है मित्र कर्म यही कह रहा है, आत्मा तो भगवत स्वरूप है, आत्मा तो भगवत स्वरूप है। मां जिनकी बेटी मुरझाज बन गए, आप याद करो कभी इसको गाल पर चांटा मारा था तो उस समय लगता है कि हाय इसको गाल पर मैंने चांटा क्यों मार दिया। ज्ञानी आत्मा तो भगवत स्वरूप है, इस भगवान आत्मा को कर्म को भी शर्म आती है, मैं क्यों बधूं इसको, लेकिन क्या करें, भगवत स्वरूप होने पर भी अपने स्वरूप को न पहचानने से मिथ्या स्मृति प्रमाद कसा योग बंधित्वा। कर्म कह रहा है मैं क्या करूं, एक भगवत स्वरूप आत्मा के लिए मैं नहीं बदना चाहता हूं, लेकिन मिथ्या दर्शन आवृत्ति प्रमाद कसाय और योग, ये पांच प्रत्यय पांच कारण ये किए बैठे हैं, मुझे बदना पड़ता है। मिथ्या नैसर्गिक प्रायोगिक दो प्रकार का मिथ्यात्व है। नैसर्गिक कर्म की प्रकृति के उदय से मिथ्या प्रणति होना नैसर्गिक है। प्रायोगिक मिथ्यात्व किसी पुरुष के द्वारा प्रेरित किया जाए ऐसा करना चाहिए, ये दोनों प्रकार का मिथ्यात्व संसार में भटकाने वाला है। एकांत मिथ्यात्व पहला मिथ्यात्व, मिथ्यात् का पहला भंग है एकांत। वस्तु नित्य ही है अथवा वस्तु अनित्य है, आत्मा निश्चय स्वरूप ही है अथवा आत्मा विवाह स्वरूप है, निश्चय नहीं सत्य है अथवा व्यवहार नहीं सत्य है, निश्चय ने झूठा ही है अथवा व्यवहार ने झूठा ही है, ऐसा एकांतिक अभिप्राय जिनके अंदर बैठे हुआ है एकांत मिथ्यात है। एकांत न्याय मिथ्या सापित वस्तु तीर्थकृत, एकांत जो है वो मिथ्या ही होता है, वस्तु नित्य नित्यात्मक है, पर्याय दृष्टि से अनित्य है, द्रव दृष्टि से नित्य है, पर्याय दृष्टि से अनित्य है, वस्तु भेदात्मक है, वस्तु अभेदात्मक है, अनेकांत भूत है। जैसे 47 शक्तियां, आपने नाम सुना आत्मा की 47 शक्तियां अध्ययन करना चाहिए, यदि मनुष्य पर्याय मिली है वो अध्ययन के परिणाम होते हैं आपके, तो स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। और 47 शक्ति ग्रंथ इसलिए पढ़ना चाहिए कि लोगों ने भगवती शक्ति, द्वारका शक्ति, तारा शक्ति, पद्मावती शक्ति, दुनिया की शक्तियों की बातें सुनी है, लेकिन आत्मा की 47 शक्तियां। अमृतचंद स्वामी की ये बहुत बड़ी अनुकंपा है जिन्होंने हमें 47 शक्तियों का बोध कराया। तो जैसे आत्र अमृतचंद स्वामी ने 47 शक्ति लिखी है ना, ऐसे 47 नए लिखे हुए हैं। समय सार जी में 47 शक्तियां हैं, प्रवचन सार जी में 47 न है, वो ग्रंथ भी शीघ्र आएगा, शुभ्र सारी कृपा हो जाएगी, लेकिन एक बार स्वप्न भी में क्यों ना पढ़ लो, लेकिन एक बार 47 नए का अध्ययन करना। और इसलिए 47 नए का अध्ययन करना कि जितनी एकांतिक आंखें हैं ये सब स्वच्छ हो जाएंगे। जाबुदियम वैवादम तावदियम नैवादम, जितनी वचनवाद हैं उतने नए वाद हैं, और ये सब नियों को जान करके व्यक्ति मध्यस्थ हो जाएगा। ठीक है,
जो कथन कर रहा है इस अपेक्षा से बोल रहा है, उस बिचारे को अपेक्षा का बोध नहीं है इसलिए खींच रहा है। यदि इसका मिथ्यात् मंद हो जाएगा तो इसकी ये अपेक्षा समझ में आएगी तो ये सम्यक को प्राप्त कर लेगा। ऐसा सम्यक चिंतन करता है। कर्म क्या कह रहा है? एकांत मिथ्यात्म तुम चाह रहे हो, अब मैं नहीं बदलना चाहता हूं, मैं क्या करूं? जैसे वो गोरा बालक जेलर कह रहा था मैं नहीं पीटना चाहता लेकिन क्या करूं, ऐसे ही कर्म कह रहा मैं नहीं बदलना चाहता तो क्या करूं, परंतु एकांत को छोड़ ही नहीं रहा है। एक घटना आपको बताऊं, सुब्रत सर शायद आपने सुना हो, एक युवावस्था के अंधकार में डूब गया और उसके हाथ में तलवार, उसने एक आदमी को भरी दोपहरी में ऐसे काट दिया। अब पूरा गांव दहशत में परेशान, बोले भाई ये क्या हो रहा है, और लिए तलवार, एक को तो खत्म कर दिया, लिए तलवार, ऐसा नहीं कि भाग जा, लिए तलवार रोड पर घूम रहा। पुलिस आ गई, उससे कह रही भाई तू इस तलवार को छोड़ दे, कुछ नहीं करूंगा तेरा, छोड़ दे। मतलब एक आदमी की हत्या कर दी तब भी शासन कह रहा है, प्रशासन आप बेटा इसको छोड़ दो, कुछ नहीं करेंगे आपका। वो क्यों छोड़ रहा है, तो और घुमा रहा है। अंत में पुलिस को गोली मारना पड़ गई। क्यों? अभी इसने एक को मारा है, पता नहीं कितनों पर और चलाएगा, छोड़ ही नहीं रहा है। एक आतंक की छिपा सुपर सागर, भारत के सैनिकों की दया देखो आप। उससे कह रहे भाई तू एक काम कर, पूरे कपड़े उतार दे, हाथ ऊपर कर दे और आ जा, तुझे कुछ नहीं करेंगे, तेरे माता पिता को सौंप देंगे। उस बच्चे ने ऐसे उसको पकड़ के उसके माता पिता को सौंप दिया। ये भारत की करुणा है, ये कभी किसी को मारना पसंद नहीं करते। ये भारत के सैनिकों की बात कर रहा हूं मैं आपको। एक बच्चा बीच में कहीं आतंकवादियों ने बम पटका, एक बच्चा वहां खेल रहा था, उस बच्चे को उठा करके हमारे सैनिक उसके माता पिता को सौंप किया है। ये भारत की करुणा है। तो जैसे भारत करुणाशील है, विश्वास में कर्म करुणाशील है, बहुत करुणाशील कर्म है। कर्म किसी को नहीं बदलना चाहते लेकिन तुम कर्म मत करो, उन कर्मों को बढ़ना पड़ता है, वो बदलना नहीं चाहते। धूल धूल में पड़ी है, आप अपने स्वच्छ रहो, धूल कभी नहीं चिपकना चाहती है। आप तेल मालिश करके आ रहे हो तो धूल बेचारी क्या करे, उसको चिपकना पड़ता है। बस यही स्थिति है। कितने प्रकार से बंद से बच सकते हैं? मनीष बेटा समझो मैं क्या बोल रहा हूं, एकांत में डूब रहा है, उसे पता ही नहीं हो, तुम मस्त मेरे पक्ष की पुष्टि हो रही है, पर तुम्हें यही पता नहीं है कर्म तुमको चिपक रहे हैं, एकांत में जा रहे हो तुम। एकांत मिथ्या शायद बात दृष्टि लाई विनय ओ पितृ देवो भवा मातृ देवो भवा। अरे भाई विनय को मोक्ष का द्वार कहा है, लेकिन ये तो देखो हम विनय कहां कहां से टेके। सर्वत्र सिर झुकाओगे, मित्र विनय नाम का एक मिथ्यात है। इसलिए हम पहले पहचान करेंगे धर्म की, धर्मात्मा की, फिर सिर झुकाएंगे। विनय मिथ्या, अज्ञान ये तीसरा मिथ्यात है। मैं कुछ जानने नहीं चाहता हूं। विश्व में बहुत संख्या ऐसे जीवों की, उन्हें मालूम ही नहीं है क्या पुण्य क्या पाप। ये पुण्य पाप की बातें भारत में हो रही है, और भारत में भी कितने लोगों के बीच में अल्प
अत्यंत अल्प, जिसे हम पाप कहते हैं अज्ञानी, उसे ही तो धर्म मान रहे हैं। सबसे बड़ा पाप हिंसा। और देखो जगत में कितने धर्म ऐसे हैं जो धर्म की संज्ञा दिए हैं और बलि को धर्म मानते हैं। अब बताऊं वहां पर कैसे धर्म हो जाएगा। और जब जीवों को घात करने वाला स्वर्ग बैकुंठ जाने लग जाएगा तो नरक कौन जाएगा? एक बहुत बड़ा प्रश्न तो ये। हत्या करने वाले पापी बैकुंठ जाने लग गए तो फिर स्वर्ग जाने की व्यवस्था किसकी, नरक जाने की व्यवस्था किसकी होगी? तस्कर, बलात्कारी, असत्यवादी, परिग्रही, इन सबको मोक्ष मिलने लग गया तो नरक के द्वार तो बंद। पर ऐसा होगा नहीं। कोई कितनी व्याख्या कर दे, कुतर्क दे के रख दे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। बड़े लोगों को दया आ रही है, मालूम किस बात की? बोले हम पशु पक्षी नहीं खाएंगे तो पूरे देश में यही दिखाई देंगे, बकरी बकरे दिखेंगे, मुर्गे मुर्गे दिखेंगे। बड़ी करुणा इनको आ रही है। अरे तुम इतनी करुणा क्यों कर रहे हो? अपनी नरक गति क्यों नहीं देखते हो? बहुत करुणाशील हो तुम कि तुम्हें भारत की चिंता हो रही है कि भारत में बकरी बकरे दिखेंगे कि मुर्गे ही मुर्गे दिखेंगे। सीधी बात बोलो कि तुम्हारी दुर्गति का बंद हो चुका है, तुमको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। ज्यादा मनुष्य में टेंशन नहीं लेता, आपको भी समझाया नहीं समझे तुम्हें कोई चिंता बोले क्यों? अपने पूरे सीधे सिद्धांत है, मैं उपदिष्टा हूं, मैं तुम्हारी बुद्धि का कर्ता नहीं हूं। आपकी बुद्धि का कर्ता नहीं हूं। जब व्यक्ति की बुद्धि भ्रांत होती ना, सब आगम पुराण का ज्ञान रखा रह जाता, काम उल्टे करता है जी। रजत कहां है? सारी बुद्धियां एक किनारे रह जाती हैं जब व्यक्ति को कसाएं सताती हैं। इसलिए ज्ञानी या विषय को समझिए एकांत, विपरीत, विनय। विनय जिसकी की जाए उसी की विनय करिए। विपरीत मिथ्या, अगला मिथ्या। अज्ञान के बाद विपरीत, अज्ञान मिथ्यात्म क्या करता जीव?